नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरु इन्फो। तो दोस्तों, हाइजेंस इंडियन मार्केट में अपने दो नए टीवी लेके आने वाला है। जी हाँ, हाइजेंस के पिछले बार कई सारे टीवी लॉन्च हुए थे और काफी धड़ल्ले से ये टीवी बिके थे क्योंकि इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी थी दोस्तों, और ये 5 साल की वारंटी भी दे रहे थे। और पिक्चर क्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पिक्चर क्वालिटी भी कमाल की उनके टीवी में आपको देखने को मिलती है। तो उसी के चलते दो और नए टीवी ये ऐड करने वाले हैं जिनका नाम रखा गया है हाइजेंस टोर्नाडो A73। अब ये जो टीवी है दोस्तों, इसके सभी डिटेल स्पेसिफिकेशन में वीडियो के आगे आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हाइजेंस टोर्नाडो आपको दो स्क्रीन साइजिंग में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, एक ही 55 इंच और दूसरा है 65 इंच। अब ये जो टीवी है दोस्तों, ये एलईडी होने वाले है, ना कि QLED। काफी सारे लोगों को और काफी सारे रूमर्स थे दोस्तों कि ये जो टीवी होगे वो QLED पैनल के साथ हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो टीवी आने वाले है ये LED के साथ में ही आपको देखने को मिल जाएगी। डिजाइन की अगर बात करें दोस्तों, तो काफी कमाल की इस टीवी की डिजाइन हमें देखने को मिलती है, जो कि बेजल से दोस्तों वो ना के बराबर यहाँ दिखते हैं। प्लास्टिक बॉडी हमें जरूर मिलती है दोस्तों, लेकिन उसका कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हाइजेंस अपने टीवी में काफी हेवी प्लास्टिक यूज करता है। स्टैंड की अगर बात करें दोस्तों, तो स्टैंड भी हमें काफी प्रीमियम यहाँ देखने को मिल जाती है। और नीचे अगर आप देखेंगे दोस्तों, साउंड बार आपको दिखाई दे रहा है, बड़ी सी चीन है दोस्तों, उसमें बड़ा सा साउंड बार है और उसपे एक साइड में लिखा गया है JBL और दूसरे साइड में आपको डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी DTS का लोगो देखने को मिल जाता है। मतलब कि इसकी जो साउंड क्वालिटी होने वाली है वो कमाल की होने वाली है, वैसे तो मैं वीडियो के आगे वो बताने ही वाला हूँ। अगर पिक्चर क्वालिटी की, तो यहाँ आपको 8-bit FRC VA डिलेड पैनल देखने को मिल जाता है और यही मुझे कमी लगी है दोस्तों। यहाँ IPS तो भी पैनल इन्होंने देना चाहिए था। पिछली भी टीवी में इन्होंने सब में VA पैनल हमें देखने को मिला था और इन टीवी में भी हमें VA पैनल देखने को मिल जाएगा। कलर गैमिट की अगर बात करें दोस्तों, तो 100% तक का यहाँ आपको कलर गैमिट देखने को मिल जाएगा। साथ ही ब्राइटनेस की अगर बात करें दोस्तों, तो 400 निट्स तक की यहाँ मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी। पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करें, तो ये आता है डॉल्बी विजन, HDR10, HLG, अल्ट्रा डिमिंग, MEMC, UHD, AI अपस्केलर, नॉइज रिडक्शन और स्मूथ मोशन के टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब कि काफी ज्यादा ये फीचर्स हमें देता है पिक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और इसी के अलावा AI अपस्केलर भी आपको देखने को मिलता है, मतलब कि जो आपके फुल HD वाले वीडियोस होने वाले हैं, ये आपको 4K में भी कन्वर्ट करके दे देगा। बात करें टीवी की साउंड क्वालिटी की, तो ये काफी कमाल की होने वाली है। जी हाँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक तरफ आपको डॉल्बी का लोगो देखने को मिलता है और दूसरी तरफ आपको JBL का लोगो देखने को मिलता है। इसके जो साउंड है दोस्तों, वो JBL ने डिजाइन किए हैं और आपको तो पता ही होगा कि नोकिया के टीवी में भी JBL के साउंड आए थे और क्या कमाल का उस टीवी का साउंड एक्सपीरियंस मिला था दोस्तों। थोड़ा बेस उसमें कम था दोस्तों, लेकिन इस टीवी में वैसा नहीं होने वाला। इसमें आपको 6 स्पीकर टोटल मिल जाते हैं, जिसमें कि 4 फुल एयर स्पीकर है दोस्तों और जो 2 होने वाले वो हाई फ्रिक्वेंसी वाले स्पीकर होने वाले। इसका जो वैट हो जाता है दोस्तों पूरे साउंड बार का, वो है 102 वैट का। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तगड़ी इसकी साउंड क्वालिटी होगी और आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पीकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टीवी। तो अब आते हैं इस टीवी के प्रोसेसर के पास। तो इसमें आपको एक क्वाड कोर वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ जो GPU होने वाला है वो माली का 480 वाला MP4 GPU आपको देखने को मिलेगा। और ये जो GPU है दोस्तों, वो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है, क्योंकि ये नया GPU है दोस्तों और कई सारे नए फीचर्स के साथ ये आता है। रैम और स्टोरेज की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपको 2GB की रैम और 16GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा कम है दोस्तों, क्योंकि 55 इंच और 65 इंच का आप टीवी बेच रहे हो, तो आपको थोड़ी रैम भी बढ़कर देनी चाहिए थी और आपको जो इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों वो भी 32GB तक होनी चाहिए थी, तब ये दोस्तों काफी अच्छा हमें लगा होता। ऑपरेटिंग सिस्टम और कनेक्टिविटी की अगर बात करें, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको गूगल क्रोमकास्ट का और वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट टीवी में मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर बात करें, तो इस टीवी में सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें वाईफाई की, तो यहाँ बेशक आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई देखने को मिलने वाला है। तो अब आते हैं इस टीवी के प्राइसिंग पर। तो प्राइसिंग की डिटेल्स अभी कुछ निकल के नहीं आई है, लेकिन अगर 55 इंच का जो टीवी है दोस्तों, उसकी प्राइसिंग का अंदाजा लगाएं, तो उसकी प्राइसिंग हो सकती है 50 से 60 हजार तक। और जो 65 इंच की टीवी है दोस्तों, उसकी 60 से 65 हजार तक हमें प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। अगर इससे कम रेंज में यह आता है दोस्तों, तो काफी ज्यादा अच्छा होगा इंडियन टीवी मार्केट के लिए। तो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।